अगर आपके पास अपना खुद का प्रोफेशनल डिस्प्ले पिक्चर नहीं है जो आपको आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर या फिर आपके रेज्यूमे पर लगाना हो या फिर किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर यूज करना हो या फिर आपको किसी फोटोग्राफर के स्टूडियो में जाकर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ नहीं लेना है क्योंकि आपको बोर हो रहा है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और घर में बैठे बैठे ही एक प्रोफेशनल लुकिंग फोटोग्राफ लेना है और वो भी किसी प्रोफेशनल कैमरा के बिना और वो भी 5 मिनट के अंदर, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल हेडशॉट्स कम टाइम में कैसे लेना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं द डिजाइनर बग चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं न्यू AI टूल्स, डिजाइन ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बुरीगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि इंट्रो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको आपके प्रोफेशनल हेडशॉट्स क्रिएट करने हैं या फिर बनाने हैं और अगर आपको बोर हो रहा है, आपको घर के बाहर नहीं जाना है, आपके पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक टूल लेकर आया हूँ जिसमें आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू कैन क्रिएट योर प्रोफेशनल हेडशॉट्स जो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप अपलोड कर सकते हो, आपके रेज्यूमे पर डाल सकते हो या फिर आपके जो भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है उन प्लेटफॉर्म्स पर ये हेडशॉट्स डाल सकते हो। तो ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो जिस टूल पर हम ये हेडशॉट्स क्रिएट करने वाले, उस टूल का नाम है Pika AI, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो। इस टूल के ऊपर आपको जाना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। Pika AI पर मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने फेस स्वैपिंग का जो फीचर है इसका वो फीचर एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो अगर आपको देखना होगा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पर राइट साइड में ऊपर दे दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आप एक इमेज पर फेस स्वैप कर सकते हो, किसी भी दूसरे पर्सन का फेस अगर आपको स्वैप करना है वो कर सकते हो, कैसे करना है वो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, तो वो अगर आपको देखना है तो उस लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हेडशॉट्स कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप Pika AI या फिर Pika AI के पेज पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे AI हेडशॉट्स का ये फीचर यहाँ पर इन्होंने दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर गेट योर हेडशॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये दो विंडोज यहाँ पर दिखाई देती है जहाँ पर सिलेक्ट स्टाइल यू वांट और अपलोड 6-30 क्लोजअप पोर्ट्रेट्स ऑफ योरसेल्फ, ऐसे दो विंडोज आपको यहाँ पर दिखाई देती है। जहाँ पर लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो मेल और फीमेल के चार ऑप्शन यहाँ पर Pika AI या फिर Pika AI ने प्रोवाइड करके रखे है, तो उसमें से कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगे। राइट साइड में आपको आपकी खुद की इमेजेस जो भी आपने फोन से ली होगी वो फोन की अच्छी अच्छी इमेजेस आपको यहाँ 6-30 फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि फुल फेस, आपकी इमेजेस फुल फेस होनी चाहिए, मल्टीपल पीपल, इमेज में मल्टीपल पीपल नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी अकेले की वो फोटोग्राफ होनी चाहिए, ब्लरिंग, इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए और शेल्टर्ड या फिर अलग से बियर्ड से एक्सप्रेशन इमेज में नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ही आपको यहाँ पर आपकी 6-30 इमेजेस अपलोड करनी है, तो वो कैसे करना है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपके जो भी पिक्चर्स है, वो जो भी इमेजेस है वो यहाँ पर ड्रैग करने हैं या फिर अपलोड करने हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड का ये जो बॉक्स है वहाँ पर जो भी मॉडल है वो आपको चूज करना है और उसके बाद जनरेट नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने कुछ इमेजेस सिलेक्ट की है टाइगर श्रॉफ की, वो टाइगर श्रॉफ की इमेजेस यहाँ पर अपलोड करके दिखा देता हूँ और उनके हेडशॉट्स क्रिएट कैसे करने हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। तो ये इमेजेस मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ये जो क्वालिफाइड का इंडिकेशन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने जो भी इमेजेस अपलोड की है वो इमेजेस गाइडलाइंस के अंदर परफेक्टली मैच होती है। और उसके बाद आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो लेफ्ट साइड में आपको मॉडल चूज करना है, तो मैं यहाँ पर ये सेकंड वाला जो मॉडल है मेल पैकेज वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जनरेट नाउ पर मैंने क्लिक किया है। और जनरेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माय हेडशॉट्स में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये मेल पैकेज हम देख सकते हैं, जो टाइगर श्रॉफ की इमेजेस हम लोगों ने अपलोड की थी उन इमेजेस से यहाँ पर ये हेडशॉट्स हमें मिले, बहुत ही बढ़िया ये इमेजेस हमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन इमेजेस को सेव कर सकते हैं, सेव ऑल, और इस तरह ये सभी इमेजेस आपके इसी में सेव हो चुकी है। तो इस तरह हम ये Pika AI का AI हेडशॉट्स का ये जो फीचर है वो फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल हेडशॉट्स से या अगर आपको आपके लिंक्डइन पेज पर आपको डालना है या फिर किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर आपको अपलोड करना है तो ये Pika AI का फीचर बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह आज का ये वीडियो इतना ही था और ये सिंपल सा एक टूल आप आपके प्रोफेशनल हेडशॉट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो
हम यही पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ये टूल जरूर यूज करके देखिएगा और कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि ये टूल आपने यूज किया है या नहीं। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये फ्री है लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है जिससे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।